गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का केदारनाथ यात्रा 2021 एपिसोड 6 में। यह है टाइम लैप्स वीडियो 15 सेकंड्स की। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपनी ओरिजिनल वीडियो जिसमें मैं आपको कराऊंगा दर्शन। तो चलिए, तो ये जो आप देख रहे हैं सीढ़ियाँ, ये मंदिर की सीढ़ियाँ हैं। या ये जो सीढ़ियाँ स्टार्ट हो जाएं तो समझ लीजिए आप कि मंदिर आने वाला है। तो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। इन सीढ़ियों को चढ़ने के बाद आपको एक गोल गोल पूरा, जिसे हम गोल चक्कर बोलते हैं, वो आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए ऊपर चलते हैं और देखते हैं कुछ स्पेशल व्यू। तो फाइनली हम लोग ऊपर पहुँचने वाले हैं, पहुँच गए। ये जो आप देख रहे हो सामने की तरफ, ये देखो, ये जो आपको येलो येलो दिखाई दे रहा है पहाड़ के ऊपर, ये धूप पड़ रही है। जब धूप पड़ती है पहाड़ों के ऊपर तो कुछ इस तरीके का आपको दिखाई देखने को मिलता है। तो यहाँ से जब आप सीढ़ियों से ऊपर आ जाओगे तो ये, जैसे मैंने कि अभी बोला था, गोल चक्कर था, तो ये गोल गोल यहाँ पे है पूरा का पूरा। और यहाँ से मैं इधर साइड से जा रहा हूँ, लेफ्ट साइड से, जिससे कि पूरा का पूरा मैं कवर कर सकूँ अच्छे से। और यहाँ से आप देखो स्पेशल व्यू, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। राइट साइड में जो दिखाई दे रहा है वो सारे होटल्स हैं, लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा है वो सारे होटल्स हैं। और जो आपको ये सेंटर में सीढ़ियाँ दिखाई दे रही हैं, ये जो सीढ़ियाँ हैं, ये सीढ़ियाँ हैं आपकी मंदिर की, यानी कि जो मेन मंदिर की सीढ़ियाँ जो स्टार्ट होती हैं वो यहाँ से स्टार्ट होती हैं। तो यहाँ से जब आप सारे की सारी सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर पहुँच जाओगे, सामने आपको दिखाई भी दे रहा होगा छोटा सा, अभी मतलब वीडियो में छोटा सा लग रहा होगा, क्योंकि अभी पहुँचोगे तो बड़ा ही लगेगा, वो आपका जो सामने है वो है मंदिर। ठीक है, तो टाइम हो रहा है सुबह के 7 बज चुके हैं, और सुबह 7 बजे का आप नज़ारा देख लो कितना अच्छा होता है। अब यहाँ से तो अभी कुछ होटल्स दिखाई देने, जैसे मैं मंदिर के पास पहुँचूँगा तो आपको कुछ स्पेशल व्यू दिखाई देगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं धीरे धीरे, जब तक आप लोग देखिए कि किस तरीके के यहाँ पे होटल्स वगैरह बने हुए हैं और किस तरीके का नज़ारा है। अच्छा, अगर आप लोग होटल्स वगैरह यहाँ बुक करना चाहते हैं और अभी आप आने का प्लान बना रहे हो, तो मैं कुछ होटल्स का आपको नंबर्स भी दिखाऊंगा इसमें वीडियो में, इस पर आप कॉल करके बुक कर सकते हो। जैसे कि अभी आप राइट साइड में देख रहे हो, ये थोड़ा सा स्पेशल होटल है, मतलब यहाँ के मुकाबले अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छा होटल्स है, और इसका किराया भी थोड़ा ज़्यादा है, लगभग 5,000 रुपये का रूम है इसके अंदर, जिसमें 5-6 लोग रह सकते हैं आराम से। ऐसा कुछ नहीं कि आप 2 लोगों का रूम लोगे तो 5,000 का है। तो इसमें ये जो राइट साइड में बोर्ड लगा हुआ है, इस बोर्ड को मैं अभी जूम करूँगा, और जूम करने के बाद आप लोग इसमें जो नंबर लिखे हुए हैं वह आप नंबर देख सकते हो, जिससे कि आप इस पर कॉल वगैरह कर सकते हो और अपना जो होटल्स वगैरह है आपका उसे बुक कर सकते हो। तो मैं अभी नंबर, जो उसका नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अभी फिलहाल तो हम अभी मंदिर की तरफ चलते हैं, कैमरा इधर उधर नहीं कर रहा मैं, जल्दी से जल्दी मंदिर की तरफ चलते हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं ना आपको पूरा का पूरा व्यू दिखाने वाला हूँ, मंदिर दिखाने वाला हूँ, मंदिर के राइट साइड में जो ऊपर रास्ता जा रहा है भैरवनाथ के लिए वो दिखाने वाला हूँ, मंदिर के पीछे जो बड़ा सा पत्थर रखा हुआ है जिसे बोलते हैं कि इसकी वजह से ये मंदिर बचा हुआ था, मतलब 2013 में जो आपदा आई थी उसकी वजह से जो मंदिर बच गया था, जिसकी वजह से वो बड़ा सा जो पत्थर है उसके पास में बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर भी रखे हुए हैं, वो सब भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो होटल्स की जो वीडियोस है वो ऑलरेडी मैंने ऑलरेडी डाल रखी है, आप वहाँ से भी देख सकते हो, और यहाँ के जो नंबर्स हैं वो मैं भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप उस पर कॉल कर सकते हो, बुकिंग करा सकते हो। फिलहाल हम लोग फोकस करते हैं ओनली मंदिर के दर्शन के लिए। सुबह का टाइम हो रहा है और आप पहाड़ पर देखिए किस तरीके की जो धूप है वो पड़ रही है, जिसकी वजह से पहाड़ अलग ही चमक रहा है। लेफ़्ट साइड में देखिए येलो येलो जो चमक रहा है, इसे हम लोग पिक्चर्स वगैरह में देखते हैं, फ़ोटोज़ में, तो कुछ अलग ही व्यू आता है। अब आप एक्चुअल में देखिए कि जी एक्चुअल में जो व्यू है वो कैसा लगता है, कितना अच्छा लगता है, कितना सुंदर लगता है। तो हम लोग चल रहे हैं फटाफट, और आप देखते जाइए कितनी सीढ़ियाँ हैं, हो सकता है आपने सीढ़ियाँ काउंट नहीं की होंगी, कोई बात नहीं, दोबारा देख लेना, काउंट कर लेना कितनी सीढ़ियाँ हैं। ठीक है, तो काफ़ी सारी शॉप्स वगैरह जो हैं ओपन हो चुकी हैं, अभी सारी तो नहीं खुली हैं मेरे हिसाब से, बट काफ़ी लोग जो हैं मंदिर की शॉप्स जो हैं वो ओपन हो चुकी हैं, मतलब प्रसाद वगैरह की। तो हम लोग चलते हैं ऊपर की तरफ धीरे धीरे, देखिए मंदिर पास आता जा रहा है, आ चुके हैं हम लोग लगभग मंदिर के पास आने वाले हैं। इसके बाद जो आगे वाली सीढ़ियाँ उनको चढ़ने के बाद
ये वाली जो फाइनल सीढ़ियाँ हैं, इनको चढ़ने के बाद आपका मंदिर का जो ग्राउंड है वो आ जाएगा। कितना बड़ा ग्राउंड है ये भी आप देख सकते हो, बहुत ही बड़ा ग्राउंड बना रखा है यहाँ पे। पहले तो मेरे हिसाब से शायद छोटा था, अभी काफ़ी बड़ा बन गया है। तो सभी लोग लगे हुए हैं शूट करने में, और थोड़ा सा आगे चलते हैं, देखते हैं मंदिर का व्यू। उधर की तरफ लाइन लगी हुई है, लाइन दर्शन करने के लिए लाइन लगा रखी है लोगों ने। और कुछ लोग देखो अभी भी गोले में ही बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो हम लोग आगे चल रहे हैं, थोड़ा सा दर्शन करने के लिए लाइन लग चुकी है। ये सुबह ही लग जाती है, ये लाइन जो आपकी है ना, ये सुबह लग जाती है। मतलब लोग तो 5 बजे 4 बजे आके आ जाते हैं, बिकॉज क्या है ना कि बाद में उन्हें इंतज़ार ना करना पड़े, जल्दी से जल्दी दर्शन हो जाए, इसलिए लोग सुबह जल्दी आके लाइन लगा लेते हैं यहाँ पे। कुछ लोग, सारे लोग नहीं आते, मैं मॉर्निंग में भी आया था बट तब इतनी भीड़ नहीं थी। अभी फिलहाल आरती हो चुकी है, दर्शन स्टार्ट है यहाँ पे, तो इसीलिए। और ये है अपनी नंदी बाबा, यहाँ पे लोग विश वगैरह मांग रहे हैं। तो आप मंदिर का व्यू देखिए, आप इसको जूम करके देख सकते हो। सभी लोग अंदर जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, ये देखो अच्छा व्यू है। अभी हम बैक साइड में चलेंगे मंदिर के, जहाँ पे वो बड़ा सा पत्थर रखा हुआ है, मतलब जो ऊपर से गिरा था और आके रुक गया था, जिसकी वजह से मंदिर बच गया था, उसको देखेंगे। अभी फिलहाल आप ये मंदिर का व्यू देखिए टोटल। ये पुजारी वगैरह कुछ लोग जो हैं यहाँ पे बाहर की तरफ खड़े हुए हैं, जिससे कि कोई इधर उधर ना भागे। और मंदिर से ज़्यादा भीड़ तो मुझे यहाँ बाहर लग रही है नंदी के पास। आप खुद ही देख सकते हो, वहाँ तो वो कम ही लोग दिखाई दे रहे हैं, बट नंदी के पास ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं मुझे। ये लोग शायद नंदी के कान में कुछ बोलने जा रहे हैं। ये होटल्स वगैरह हैं सारे जो आप देख रहे हो। यहाँ से जो फोर्थ वाला होटल है बड़ा सा, जो आपको दिखाई दे रहा है लंबा सा, इस वाले होटल्स में रूम का जो रूम है वो आपका 3500 से स्टार्ट है, मतलब 3500 रुपये से रूम स्टार्ट है। 3500 और 4000 साढ़े 4000 मेगा जो रूम है। मैं कैमरे को पूरी तरफ घुमा रहा हूँ, आप चारों तरफ का व्यू देखिए कितना अच्छा लगता है। धीरे धीरे धूप बढ़ती चली जा रही है, ये धूप जो है जो छाँव है वो नीचे आती चली जा रही है, धूप बढ़ती चली जा रही है। तो आप पहाड़ देखिए किस तरीके से जो धूप पड़ने की वजह से पहाड़ जो है वो चमक रहे हैं, अलग ही नज़ारा है। मतलब सुबह सुबह आप केदारनाथ अगर आ रहे हो ना घूमने, तो भाई सुबह सुबह जरूर आओ बाहर। ऐसा नहीं कि आप आए हो, थक गए हो, तो आप होटल में गए और लेट गए, उसके बाद आप सोचो 10-11-12 बजे जाएंगे हम लोग घूमने। नहीं यार, सुबह आओ, सुबह धूप निकलने से पहले आओ, और जब तक धूप सूर्य निकल रहा है जब तक यहीं रहो, क्योंकि ना तभी आप पूरा अच्छा सा व्यू देख पाओगे। अदरवाइज तो आप काफ़ी कुछ मिस कर दोगे, और फिर आपका आना ही जाना होगा, मतलब मज़ा नहीं आएगा। ये मैं इधर से जा रहा हूँ मंदिर के राइट साइड से, अब हम यहाँ से व्यू देखेंगे। उसके बाद इसके बैक साइड में, जैसे मैंने बोला था अभी, बैक साइड में आप देख सकते हो वो पत्थर जो बड़ा सा रखा हुआ था वो रखा हुआ है। तो हम अभी सीढ़ियों से ऊपर चलेंगे, उसको देखेंगे क्या है, कैसा पत्थर है, किस तरीके से। आप देख के बताओ ये किसकी मूर्ति है और किसकी पूजा हो रही है यहाँ पे। आप लोगों को अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ यार कमेंट करके बताना कि आखिर ये किसकी मूर्ति है। साइड में जो ये मूर्ति दिख रही है आपको, ये किस किस की मूर्ति है। तो चलिए हम लोग चलते हैं ऊपर की तरफ। ये सीढ़ियाँ देख रहे हो आप, ये ऊपर की तरफ जा रही हैं। तो हम लोग ऊपर चलते हैं और ऊपर चल के देखते हैं उस स्पेशल पत्थर को, जिसकी वजह से ये मंदिर बचा हुआ था। सामने की तरफ देखो, धूप बढ़ती जा रही है। ये जो जगह देख रहे हो ना आप, यहाँ पे ये हमारे जो बाबा जी बैठे हुए हैं, इनके जैसे बहुत सारे बाबा जी हैं जो धूप आग जला करके ऐसे ही
बैठे रहते हैं। इनके पास कटोरे में देख रहे हो नोट भरे हुए हैं पैसे, मतलब आपकी इच्छा है देना चाहो नहीं देना चाहो, बाकी तेल वगैरह के लिए बोलते हैं दे जाओ, इससे कि ये लोग आग जलाएं और आग जला के यहीं बैठे रहते हैं। अच्छा ये देखो छोटे छोटे पत्थर काफी सारे यहाँ पे रखे हुए, एक तो ये बड़ा सा पत्थर है, इसको देखो किस तरीके से मतलब भाई रुका हुआ है, कुछ मतलब अलग ही पूरा का पूरा। मैं आपके इसके फ्रंट बैक मंदिर के पूरा का पूरा साइड में जाता हूँ और आप देखो किस तरीके से रुका हुआ है ये देखो, मतलब मंदिर जितना बड़ा नहीं है उससे भी बड़ा पत्थर है और पूरा का पूरा मंदिर ही बचा लिया। अब ये जो छोटे छोटे पत्थर आप देख रहे हो ये लोगों ने रखे हुए हैं यहाँ पे मन्नत मांगने के लिए, कुछ भी कह लो किसी के बारे में कुछ बोल नहीं सकते, तो वो अपनी मन्नत मांगने के लिए यहाँ पे ये छोटे छोटे पत्थर एक के ऊपर एक रख करके चले जाते हैं, कोई ना कोई विश मांग के जाते हैं। ये देखो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ भी है पत्थर के ऊपर, कोई शायद लिख के भी चला गया है, और काफी बड़ा ही पत्थर है ये, तो इसके ऊपर से देखते हैं अभी। ये देखो सामने की तरफ ये लाइन लगी हुई है, इधर से लाइन लगती है मंदिर के लेफ्ट साइड से स्टार्ट होती है, यहाँ से लाइन स्टार्ट हो जाती है और पूरा घूम घूम के अंदर जाते हैं दर्शन करने के लिए। जो दर्शन करने वाले बंदे हैं वो उधर से निकलते हैं और ये वाला गेट मेरे हिसाब से बंद ही रहता है। ये देखो ये वाला गेट जो है ये बंद ही रहता है, मैंने तो इसको खुला हुआ देखा नहीं है, अगर खोलते हो तो मैं इसके बारे में कंफर्म नहीं बता सकता क्योंकि मेरे सामने तो ये नहीं खुला हुआ था। ये देखिए आप मंदिर के ऊपर झंडा हवा में लहराते हुए। अच्छा इसके अलावा अब हम लोग चलते हैं जरा इधर साइड में देखते हैं, ये देखो। अच्छा यहाँ से जो आप ये टावर, ये सिग्नल का टावर, ये भी लग चुका है यहाँ पे, और ऊपर भी अभी ये काम चल रहा है यहाँ पे, जिससे कि अगर आगे से कभी कुछ ऐसा होता है मतलब बाढ़ वगैरह या पानी वगैरह आता है तो जिसकी वजह से मंदिर को कोई नुकसान ना हो उसकी वजह लिए पहले से ही तैयारी चल रही है। वो आप देख सकते हो मशीन खड़ी हुई है इधर, मशीन वगैरह खड़ी हुई है जिसके काम चालू है यहाँ पे, और एक ये दीवार सी बनाई जा रही है, आप ये देख रहे हो इधर नीचे की साइड में दीवार बनाई जा रही है, और ये देखो क्या व्यू है भाई, स्पेशल मतलब अलग ही। अगर अगर आप लोग ना दोपहर में जाते हो मतलब आप 12 1 बजे के बाद पहुंचते हो ना तो शायद आपको ये व्यू देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज क्या है ना आप दोपहर के बाद जाओगे तो ये जो आपको वाइट वाइट दिखा रहे हैं ना इनके अंदर से बादल बनना स्टार्ट हो जाते हैं, और जब बादल बनना स्टार्ट हो जाते हैं ना तो बादलों की वजह से ये जो पहाड़ हैं आपके सफ़ेद वाले पहाड़ ये पूरी तरीके से ढक जाते हैं। हो सकता है आपने कुछ वीडियोस वगैरह या फिर फोटोज़ वगैरह में देखा हुआ हो तो ये पूरी तरीके से ढक जाते हैं। तो भाई अगर आपको ये वाला व्यू देखना है ना, आप केदारनाथ जा रहे हो घूमने के लिए और आपको ये वाला व्यू देखना है मतलब आपको पूरे पहाड़ देखने हैं और बिल्कुल क्लियर देखने हैं, तो भाई आप सुबह सुबह जाओ, क्योंकि है ना सुबह सुबह कोई बादल नहीं होता, कुछ नहीं होता, आसमान एकदम बिल्कुल क्लियर होता है। तो जब आप सुबह सुबह जाओगे ना और इस तरीके से धूप निकलेगी तो मतलब अलग ही व्यू देखने को मिलेगा। अब देखो यार फोटोज़ वगैरह में वीडियोज़ वगैरह में उतना मज़ा नहीं आता, मुझे पता है, मैंने भी बहुत सारी देखी थी, बट जब एक्चुअल में देखोगे ना तो भाई दिल खुश हो जाएगा। ये जो आप होटल देख रहे हो राइट साइड में बिल्कुल फर्स्ट वाला होटल, इसके अंदर अगर आप रूम लेते हो तो आपको रूम मिलेगा 2000 से 2500, 2000, 2500, 3000 इस तरीके से। और इन होटल्स के अगर आप बैक साइड में जाते हो तो आपको 1500, 2000, 2500 इस तरीके से होटल मिलेंगे, डिपेंड करता है। अच्छा वो जो आप सामने देख रहे हो ना, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो आपको झंडे वगैरह दिखाई दे रहे हैं ये है भैरव बाबा का मंदिर, यहाँ से मंदिर के राइट साइड से इसका रास्ता है ऊपर जाने के लिए। एक्चुअली मैं वहाँ पे जा नहीं पाया, बस थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी हमारे साथ ऊपर आने के बाद, तो जिसकी वजह से मैं ऊपर नहीं जा पाया, नहीं तो मैं उसको भी कवर करता। इसमें इस वीडियो में मैंने सिर्फ और सिर्फ मंदिर ही कवर किया है, ओनली फॉर केदारनाथ मंदिर स्पेशल। तो गाइज आप इस व्यू को देखो, क्या व्यू है भाई, और सुबह सुबह लोग, और ठंड भी काफी हो चुकी है यहाँ पे, मतलब सुबह सुबह काफी ठंड होती है। तो अब हम लोग यहाँ से चल रहे हैं नीचे की तरफ, ये जो रास्ता जा रहा है अभी यहाँ से हम नीचे की तरफ जाएंगे,
और गाइज उम्मीद करता हूँ यार आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, मंदिर का जो व्यू मैंने काफ़ी अच्छी कोशिश की है व्यू दिखाने की, पूरा का पूरा चारों तरफ से मंदिर दिखाने की कोशिश की है मैंने काफ़ी अच्छा। और ये सामने जो आप देख रहे हैं ये सभी होटल्स वगैरह हैं यहाँ पे, तो रूम वगैरह आपको आसानी से मिल जाएंगे, बस अगर भीड़ ज़्यादा नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, रूम भी मिल जाएंगे आपको और ज़्यादा पैसे भी नहीं लगेंगे। बट यहाँ पे क्या होता है ना, अगर भीड़ ज़्यादा हो जाए तो फिर रूम का जो प्राइस है वो थोड़ा बढ़ जाता है। और बेस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आप जैसे ही आप ऊपर केदारनाथ पहुँचते हो 12 बजे 1 बजे 2 बजे 3 बजे जितने बजे भी आप पहुँचते हो, सबसे पहले आप होटल ले लो, क्योंकि जैसे ही शाम होती है वैसे यहाँ पर होटल के प्राइस बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।